सरहद पर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जांबाज जवान अब अपने आप को खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मामला बलदेव क्षेत्र का है, जहां दबंगों के द्वारा उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। जवान अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस जवान की मदद न तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाया गया एंटी भूमाफिया दल ही कर रहा है, और न ही प्रशासनिक अधिकारी अब तक इस जवान की जमीन को वापस दिला पाए हैं। यह है मामला। देश की रक्षा के लिए मौत का जज्बा रखने वाले ब्रजमोहन सिंह निवासी नगला गिरधर न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और इस जवान को कहीं से भी न्याय नहीं मिला रहा है। बता दें कि करीब एक महीने पहले सेना के जवान ब्रजमोहन ने बलदेव बरौली रोड पर ठहरी डिसमिल जमीन खरीदी और जमीन की रजिस्ट्री और बैनामा होने के कुछ दिन बाद थाना बलदेव के हथकोली निवासी शेर सिंह ने भी सेना के जवान के पास जमीन खरीदी और अप्रैल 2019 में अपनी दबंगई फौजी ब्रजमोहन को दिखाने लग गया, और नियत खराब होने के कारण उसकी खड़ी फसल वन और सरसों को जोत दिया। दबंगों की दबंगई से परेशान जवान ने प्रशासन की मदद लेना उचित समझा और न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, और करीब 7 महीने बीत जाने के बाद उसे न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़ित जवान ब्रजमोहन से बात उसने बताया कि कुछ दबंग लोग हैं जो कि जबरन मेरी जमीन को कब्जाना चाहते हैं और आए दिन धमकी देते हैं। कई महीने से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूं, कहीं से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, और हम चाहता हूं कि जो सही है वो काम हो। यहां कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। सेना के जवान का ये भी आरोप है कि थानेदार बलदेव एक बार गए थे, उन्होंने मामले को सही पाया और अब देखते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। पीड़ित का ये भी कहना है कि जमीन उसने अपना घर बनाने के लिए जमीन की समस्या है। मेरे पड़ोस के गांव का हथगोली गांव का एक वो है, वो जबरदस्ती कब्जा करता है मेरी जमीन पे। न मेरे को खेती करने देता है, न मतलब बुवाई करने देता है, न कुछ बनाने देता मकान के लिए लिया था मैंने। कौन है वो जो आपकी जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है? ये तीन उसके पुत्र हैं, एक उसका पुत्र है, एक दिनेश चंद, दूसरा है हरेंद्र, एक राम प्रकाश है। ये लोग मतलब दो बार मेरी खेती जोत दिया है। मैं यहाँ पे आता हूँ मैडम, मुझे कोर्ट से कराओ, ये कराओ, मतलब ये है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ मेरे को मतलब इंसान मिले।